अगला आसन करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। मैंने अक्सर देखा है कि लोग पहले दिन तो बड़े जोश में आते हैं, लेकिन अगले दिन बदन के दर्द का बहाना बनाकर नहीं आते, जिससे मेरी रेपुटेशन खराब होती है। इसीलिए कल अगर आप में से कोई एक भी कसरत करने नहीं आया तो मैं पूरी सोसाइटी से 50,000 रुपए का दंड वसूल करूंगी। नहीं 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 सोफिया जी, देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, हम सभी की ओर से आपको वचन देता हूँ कि कल सब लोग टाइम टू टाइम यहाँ पे आ जाएंगे। वेरी गुड, मजा आ गया। अरे टप्पू के पापा, आप जल्दी से ना। टप्पू के पापा क्या हुआ, आप ऐसे क्यों चल रहे हैं? अरे क्या बताऊं दया, ये योगा और कसरत की वजह से हाथ पैर सूज गए हैं। आप तो पहले से ही सूजे हुए हैं। क्या सुलझे? आप तो पहले से ही सुलझे हुए हैं, तो आपके हाथ पर कैसे सूज सकते हैं? गोल गोल जलेबी मत बना, सब समझता हूँ मैं। पहले से सूजे हुए हैं, तू अपनी बात कर, तू पहले से कितनी सुखी हुई है? हाँ हाँ, मैं तो शादी के पहले और शादी के बाद सुखी ही सुखी हूँ। चलिए चलिए, आप नहा लीजिए तो आप भी सुखी हो जाएंगे। दो मिनट भाई, दो मिनट जरा शांति से बैठने दे, बाद में नहाने जाता हूँ। नहाने जाता हूँ नहीं, नहा लीजिए अभी इसी वक्त। पानी चला जाने वाला है? नहीं तो क्योंकि पापा, पर क्या है, आप नहा लेंगे ना तो उसके बाद ही मैं कपड़े धो पाऊंगी, घर के बाकी का काम कर पाऊंगी, और आपको दुकान भी तो जाना है। सोच रहा हूँ आज दुकान जाऊं ही नहीं। क्या दुकान नहीं जाना है? नहीं नहीं, जाना है बापूजी, दुकान जाना है। मैं ये कह रहा था कि थोड़ा लेट जाता हूँ। अरे पापू जी, मुझे लेटना नहीं है। तो? अरे बोल। लेट जाता हूँ मतलब बापू जी, मैं ये कह रहा था कि दुकान थोड़ा देर से जाता हूँ ऐसा। अच्छा अच्छा, ला पेपर दे। बैठिए, बैठना नहीं है। अरे दुकान जाना है भाई? हाँ हाँ बापू जी। गुटली मत मारना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। एक काम करता हूँ, आज दुकान देर से नहीं जल्दी चला जाता हूँ, और वहां जाके गोडाउन में मस्त सो जाता हूँ, ये अच्छा है। क्या हुआ टप्पू के पापा, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। तो फिर चलिए जल्दी से नहा लीजिए। क्या हुआ, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है? अरे नहीं नहीं, फोन वाइब्रेट हो रहा था। ओहो नटू काका, तू गीजर चालू कर। हाँ नटू काका। हेलो सेठ जी, आप दुकान कब आ रहे हैं? मुझे मीटिंग फिक्स करनी है। किसके साथ? अरे सेठ जी, दिल्ली के हमारे बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर चोपड़ा साहब आज आने वाले हैं, मैंने आपको बताया तो था। अरे हाँ नटू काका, कुछ भी करके वो मीटिंग कैंसिल कर दो ना प्लीज जरा। अरे सेठ जी, आप क्या कह रहे हैं, चोपड़ा साहब बहुत बड़े आदमी हैं, उनके साथ मीटिंग कैंसिल कैसे हो सकती है? अरे पता है बड़े आदमी है, लेकिन उनको बुरा ना लगे ऐसा कुछ अच्छा सा बहाना बना के कर दो ना कैंसिल मीटिंग। उनको बोलो हमारे सेठ जी आज बहुत बिजी है, सांस लेने के भी फुर्सत नहीं है, अगले हफ्ते मिलेंगे, ऐसा बोल दो कुछ भी है? ओके सेठ जी, मैं तो चिट्ठी का चक्कर हूँ, चोपड़ा साहब को ना बोल देता हूँ। लेकिन सेठ जी आप दुकान तो आ रहे हैं ना? हाँ हाँ आ रहा हूँ, आप जरा गोडाउन साफ सफाई करवा कर रखना, ठीक है? गोडाउन में साफ सफाई क्यों? अरे भाई बोला उतना कीजिए ना नटू काका, बहुत पंचाते आपको। ओके सेठ जी। आइए ना लीजिए। जल्दी क्या बोली? मैं नहीं मानी। अरे अरे आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे भाई बदन दर्द कर रहा है, नहला दे मुझे जरा, चल।
धीरे धीरे। अंजलि, अरे रंगम। ओह माय गॉड, क्या हुआ तारक? अरे आप यूं घुटने पकड़ के क्यों बैठे हैं? क्या घुटने अंजलि, और रोम रोम शरीर की हर मांसपेशी दर्द कर रही है। तारक आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए करेला, बीटरूट, एलोवेरा और सौंठ का काढ़ा बना के लाती हूँ। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ठीक। देखा, नाम लिया और दर्द गायब। सोचिए पिएंगे तो क्या होगा, मैं खुद गायब हो जाऊंगा। अंजलि हद करती हो यार तुम, दर्द के मारे हालत खराब हो रही हो, तुम ये जंगली काढ़े पिलाने की बातें कर रही हो। एक्सक्यूज मी तारक, दिस इज नॉट जंगली काढ़ा, ओके? ट्रस्ट मी, मेरे हाथ का ये काढ़ा पियेंगे आपको बहुत फायदा होगा। अरे नहीं चाहिए भाई, ऐसा फायदा नहीं चाहिए अंजलि। एक तो एक्सरसाइज से इतना फायदा हुआ कि शरीर दर्द कर रहा है, ऊपर से बाहर तुमने काढ़ा पिलाया, फिर काढ़ा पिलाने की बातें कर रही हो। मैं दर्द का स्वाद सहन कर लूंगा अंजलि, मुझे काढ़े का स्वाद सहन नहीं करना। पर तारक, मैं आपको यूं दर्द में तड़पता नहीं देख सकती, इसीलिए मैं काढ़ा बनाकर ला रही हूँ और आपको पीना पड़ेगा। अरे अंजलि, हद है यार, काढ़ा काढ़ा, मुझे लगता है मेरी जिंदगी है या काढ़ा है। भगवान, ऑफिस में इतनी जरूरी मीटिंग है कि छुट्टी भी नहीं ले सकता। चेटा लाल, इतना क्यों दौड़ाया तुमने? आई, अरे देवा। माधवी, बहुत दर्द हो रहा है। आपको क्यों इतना दर्द हो रहा है? आप तो रोज एक्सरसाइज करते हो ना? माधवी, रोज मैं योगा करता हूँ, दौड़ता थोड़ी हूँ। चलो आज 5 राउंड मार लिए मैंने, अब जेठालाल को क्या जरूरत थी बोलने की कि 2 राउंड एक्स्ट्रा मारते हैं। अच्छा, मतलब जेठा भाई के अलावा किसी और ने बोला होता तो आपको इतना दर्द नहीं होता ना? अब नहाने चाहिए ना, गीजर कब से ऑन है? हाँ जाता हूँ बाबा, थोड़ी देर रुको। माधवी जाओ ना, दरवाजा खोलो ना, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। बरोबर है, पर अभी आप नहाने जा रहे हो ना, तो दरवाजा ऑन द वे ही है, खोल दीजिए ना। ऑन द वे मतलब आप कर लो। अरे कठिन है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे तुम सब लोग इतनी जल्दी आ गए? सर आप ही ने तो सुबह जल्दी बुलाया। हा? अरे हाँ, मेरे दिमाग से ही निकल गया। अच्छा बच्चों, एक काम करते हैं, आज के दिन छुट्टी रखते हैं। छुट्टी, 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 छुट्टी। अरे अरे ए! अच्छा बच्चों, दौड़ना मत, थक जाओगे। आहो, आप चलकर बाथरूम तक पहुंच पाएंगे ना? नहीं, रिक्शा कर लेता हूँ। माधवी, चलकर ही जाऊंगा ना, बाथरूम थोड़ी आएगा यहाँ पे चल के। आहो, दरवाजा तो बंद कीजिए। ये वन वे माधवी, यहाँ पे यूटर्न नहीं होता है। और बापरे, कोमल दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो मालिश वाला कब आएगा? आते ही होगा हंस। हम अंदर आ सकता हूँ? आइए 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 प्लीज। आ गया। हाँ कहिए, किसका मालिश करना है? हमारा। आपकी मालिश? हाँ। आपकी मालिश हम करेंगे तो हमारी मालिश कौन करेगा भाई? क्या? अरे अरे भाई साहब सुनिए तो। हमसे नहीं होगा। अरे सुनिए भाई साहब। नहीं, अरे रुको तो। नो गॉड, कोमल तीसरा मालिश वाला भी भाग गया, अब मेरी मालिश कौन करेगा? कोई बात नहीं हंस, मैं कर देती हूँ। थैंक यू कोमल, थैंक यू। याद है कोमल, तुमने सोफिया जी के सामने क्या कहा था, मैं क्या क्या बनाऊंगी हंस और गोली के लिए? तो कुछ बनाओ ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। हंस, ये सब नाश्ता तुमने खत्म किया, ये किसने बनाया था? तुमने कोमल। तो अब मैं भी थक गई हूँ ना हंस, अब किचन में जाके कुछ भी बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, प्लीज। तो कोई बात नहीं कोमल, होटल से खाना मंगा लेते हैं। थैंक यू हंस, सो स्वीट।
तो मैं जाके आराम करती हूँ। नहीं नहीं कोमल, तुम चली गई तो दरवाजा कौन खोलेगा? जब होटल वाला आएगा तो खाने की डिलीवरी तुम्हें ही लेनी पड़ेगी ना। मैं तो बिल्कुल हिल भी नहीं सकता, अब तो सिर्फ मेरे हाथ ही हिलेंगे, वो भी खाने के लिए। कोई बात नहीं हंस, मैं डिलीवरी ले लूंगी। थैंक यू। आज की एक्सरसाइज ने सबको थका दिया। और मैं तो बिल्कुल नहीं थका। ओए पापा, मैं भी नहीं थका। तो फिर रुक तो गया, हो जाए शुरू। 22, 23 अगोगी पुत्र कमान। और बेटा जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे डर के घर, और तभी तो डाले छोले बनेंगे। पापा मैं एक्सरसाइज करके सिक्स पैक बनाऊंगा। और पुत्र हम पंजाब के शेर हैं, हम सिक्स पैक नहीं हम टेन पैक बनाते हैं। हो जाए शुरू। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151
तुम अभी तक यहीं पे हो? अब अभी तो दौड़ दौड़ कर मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। अय्यर, तुम्हें एक्स्ट्रा राउंड दौड़ने की क्या जरूरत थी? सोफिया ने जितनी राउंड दौड़ने के लिए कहा था उतना ही दौड़ना चाहिए था ना? ये जयरा लाल की वजह से, उसने दो राउंड एक्स्ट्रा दौड़ने के लिए बोला, इसीलिए ये दर्द हो रहा है। अय्यर, हमें हमेशा उतना ही दौड़ना चाहिए जितनी हमारी कैपेसिटी है। अब जेठा जी की कैपेसिटी ज्यादा थी तो उन्होंने दो राउंड एक्स्ट्रा दौड़े, पर तुमने क्यों किया? गलती हो गया मेरा। बबीता, डू वन थिंग, मेरे को एक कप गर्मा गर्म कॉफी बना कर दो, फिर मैं थोड़ा आराम करेगा। क्यों, तुम ऑफिस नहीं जाओगे? आज तो तुम्हारी मीटिंग है ना? वो तो है, लेकिन मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा, पूरा बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। बबीता, मैं आज घर पर ही रहूंगा। ओके, आई विल गेट यू अ कॉफी। थैंक यू। ये जेठालाल की वजह से पूरा दिन खराब हो गया। भगवान, आज तो दौड़ दौड़ कर ऐसी दुनिया हिली है कि मैं हिल भी नहीं पा रहा। जेठालाल भाई, दौड़ा दौड़ा कर मरवा दिया तुमने आज। अब ये कौन आ गया? हेलो हेलो, होल्ड करना आ रहा हूँ। हेलो हेलो, नहीं भाई आज मैं प्रेस नहीं आ रहा। अरे बोला ना एक बार, मजबूरी समझो या हालत खराब है, आज मेरा प्रेस आना कैंसल। तुम रखो फोन, मैं नहीं रख पाऊंगा। भगवान, बाथरूम जाने की भी हिम्मत नहीं रही। जेठालाल, ये लीजिए एक और गर्मा गर्म कॉफी। अरे नहीं नहीं दया, नहीं चाहिए, मेरा हो गया पैखाना, बस खा लिया मैंने, अब और नहीं खाया जाएगा। अरे क्या खाया नहीं जाएगा, टप्पू के पापा, आपने ज्यादा कुछ खाया ही नहीं है। अरे क्या बताऊं दया, सुबह से कसरत की वजह से पूरा बदन इतना दर्द कर रहा है कि ये निवाला ऐसे मुंह तक लेना जाता हूँ ना तो भी कंधा दर्द कर रहा है। कोई बात नहीं टप्पू के पापा, मैं अपने हाथों से एक एक निवाला आपको खिलाऊंगी। दया, ये निवाला तू खा, भाई हम सबको खिलाने में तूने तो खाया ही नहीं। टप्पू के पापा, आप लोगों को खिलाती हूँ ना, उसमें मेरा पेट भर जाता है। एक बात पूछो दया, ये कसरत की वजह से मेरा तो पूरा बदन टूट रहा है, लेकिन तूने कसरत किया, योगा किया, फिर भी घर पे आके काम कर रही है, तेरे बदन में दर्द नहीं हो रहा है? नहीं, वो आपने कहावत नहीं सुनी, उम्दा आदियों को कभी दर्द नहीं होता। ये फेको कहावत, मर्द को कभी दर्द नहीं होता ऐसी है। ओ, लेकिन आपको तो हो रहा है। मैं अहमदाबादी नहीं हूँ ना। लेकिन आप एक अहमदाबादी के मर्द तो है ना।
रख दे रख दे रख दे। अब समझ में आया तो खाना क्यों नहीं खाती है? क्यों? मेरा दिमाग खा के तेरा पेट भर जाता होगा नहीं? अच्छा ऐसा करके ये हाथ पोछ लिया ना? अरे नहीं नहीं निवाला तो ये हाथ में था। सॉरी। हाँ तो मैं ये बात कर रही थी कि अम्मदावादी को कभी दर्द नहीं होता। अच्छा चोपड़ा साहब का कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो आज की मीटिंग में कैंसिल नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है वो 2 बजे आ जाए। अरे नट्टू काका उनके ऑफिस में फोन करो, उनके मैनेजर को फोन करो, कुछ भी करके मीटिंग कैंसिल करो भाई। आप समझते क्यों नहीं? ओके सेठ जी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। अच्छा ये बताइए आप दुकान कब तक आ रहे हैं? हाँ बस निकल ही रहा हूँ। कहाँ से? अरे घर से भाई, और कहाँ से। ओके सेठ जी, कम फास्ट। चल दया मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। टप्पू के पापा। हाँ? दुकान तक छोड़ने आऊं? नहीं। सॉरी। जय जिनेन्द्र। मुझ वीती तुझ वीत से धीरी बापलिया। सॉरी सॉरी। हेलो नट्टू काका स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ बोलिए नट्टू काका। चोपड़ा साहब मैं कब से आपको फोन ट्राई कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा। सॉरी नट्टू काका, मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलकर फोन ऑन करना भूल गया था। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं 2 बजे जेठालाल से मिलने पहुँच जाऊँगा। नो नो चोपड़ा जी, आई एम सॉरी टू से बट आज हमारे सेठ जी आपसे मीटिंग नहीं कर पाएंगे। क्या? लेकिन आज की मीटिंग तो पहले से फिक्स थी ना। आई नो चोपड़ा साहब बट आज हमारे सेठ जी एक दूसरे जरूरी काम में बहुत बिजी है, दैट्स व्हाई आपसे मीटिंग नहीं कर पाएंगे। नट्टू काका कोशिश तो करके देखिए। सॉरी चोपड़ा साहब, आज तो हमारे सेठ जी को सांस लेने की फुर्सत नहीं है। नट्टू काका मीटिंग कैंसिल करके आपने मेरा सारा प्रोग्राम हिला दिया। आई एम वेरी सॉरी बट नेक्स्ट टाइम 100% मीटिंग फिक्स रखेंगे। ओके ओके बाय चोपड़ा साहब। अरे मेहता साहब, आप कैंप के डर से बाहर गाँव भाग रहे? कौन भाग रहा है जेठालाल, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ भाई। तो ये बैग? इसमें लैपटॉप है। अरे भाई कंधा इतना दर्द कर रहा है कसरत के मारे कि लैपटॉप बैग भी नहीं उठा सकता। नहीं इसलिए इसमें डाल के ऐसे ले जा रहा हूँ। तुम क्या दुकान जा रहे हो? इतना लेट आज? अरे भाई वो कसरत की वजह से मेरा भी पूरा बदन इतना दर्द कर रहा है कि आज तो दुकान जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। लेकिन पिताजी की आज्ञा का अनादर तो तुम करते नहीं हो, है ना? ओहो, लगता है आपको तो एक्सरसाइज बहुत भाग गई है, अभी भी कर रहे हैं? अरे एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ जेठालाल, ये कसरत का असरत है? कसरत का असर उतार रहा हूँ भाई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जेठालाल। मेरी वजह से? और क्या जेठालाल, सबसे पहले तो ठंड के इस मौसम में फिटनेस कैंप का भूत चढ़ा तुम्हारे सर पे, फिर सोफिया ने कहा 5 चक्कर लगाओ तो तुम बोले नहीं 2 चक्कर और लगाओ। तुम्हारी वजह से शरीर का अंग अंग चीख रहा है यार। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब ने, बिल्कुल सही कहा। जेठालाल क्या जरूरत थी अपने साथ सबको दौड़ाने की? अरे पैरों में कितना दर्द हो रहा है मालूम है? आज तुम्हारी वजह से मुझे ट्यूशन के बच्चों को छुट्टी देनी पड़ी। मेहता साहब आपके बारगांव जा रहे? अरे नहीं भाई। हाँ नहीं जा सकते मेहता साहब, सोसाइटी को 50,000 का दंड भरना पड़ेगा। अरे कहीं नहीं जा रहा भाई, ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस? आपका ऑफिस बाड़गांव शिफ्ट हो गया? जी नहीं, मेरा ऑफिस यही है लेकिन कसरत की वजह से मेरा शरीर इतना दर्द कर रहा है कि कंधे पे लैपटॉप बैग भी नहीं उठा सकता है, इसलिए लैपटॉप इसमें डाल के ऐसे लेके जा रहा हूँ। देखा जेठालाल, ये सब तुम्हारी वजह से।
इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर तुम्हारा है। तो मजा का संबंध? हाँ मजा का संबंध। अरे वो नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिखने की क्या जरूरत थी? उठो जागो भागो दौड़ो। अगर तुम वो सुविचार नहीं लिखते तो बबीता जी वो सुविचार पढ़ते नहीं और उनके दिमाग में फिटनेस कैंप का आइडिया आता ही नहीं। बराबर के नहीं मेहता साहब? भिड़े बिल्कुल सही कह रहा है जेठालाल, तुम्हारी वजह से ही सोसाइटी में सभी की हड्डियां दर्द के मारे चीख रही है और इसके जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। गोकुलधाम सोसाइटी में फिटनेस कैंप फाइट कैंप में तब्दील हो गया। हर आदमी अपने दर्द का नारियल जेठालाल के सिर पे फोड़ रहा है, और क्यों ना फोड़े, इस फिटनेस कैंप को आयोजित करने का नारियल भी तो सभी से पहले जेठालाल ने फोड़ा था। और कसरत करने के उत्साह में हद से ज्यादा कसरत करने का ये परिणाम हुआ कि अब वो जेठालाल पे ही भारी पड़ रहा है, और अब जेठालाल गोडाउन में जाके आराम करने का मन बना रहे। लेकिन गोडाउन में जाके आराम कर पाते या आराम हराम होता है ये देखिएगा मेरे साथ अगले एपिसोड में। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।